कि पंचायत समिति के वीडियो साहब बैठे, जितेंद्र सरोलिया जी बैठे। मैं तो चाहता था कि खेतड़ी जिला बने, क्योंकि राजाओं के वक्त में ये कोटपुतली भी इसके नीचे था, लेकिन अब दुर्भाग्य से जमीन नहीं है हमारे पास। ये कॉलेज बना, जब मुश्किल से कॉलेज लिया, आज अस्पताल बना तो अस्पताल जाके जोजू में बन रहा है। सरकार से मैंने मांग करी थी खेतड़ी को जिला बनाया जाए, पंचायत समिति में हमने मांग करी थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने 19 जिले बना दिए। कोशिश करेंगे, आपका हानि नहीं होगी, लाभ होगा हर एक चीज। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ खेतड़ी किसी तरह से जिला बने, और अगर उसके अंदर कोई दिक्कत आई तो देखेंगे आगे। लेकिन जो सरकार की मर्जी है, 19 जिले बने हैं, इसके अंदर मैंने तो कह दिया भाई, जिसकी मर्जी हो रहे, जिसकी मर्जी नहीं है वो अपना वो करे, बात करे। मैंने किसी पे थोपी नहीं है कोई चीज, और मैं तो बढ़िया फकीर हूँ। मेरे विरोधी कहते हैं डॉक्टर जी को तो मकान है, डॉक्टर जी की दुकान है। अरे मेरे तो टाबर टीकर है भी, तू ले जाए को, मैं तो मरूंगा तो अठे ले जाए तो सर, तुम्हें फायदा हो। जो होगा तुम्हारे लाभ की बात कर रहा हूँ, तुम्हारी लाभ की बात कर रहा हूँ। अगर बनता है, अगर नीम खताना जिला, तो भैया वहां बैठना, चाय पानी का प्रबंध कर दूंगा, मिठाई का प्रबंध कर दूंगा, बैठ के खाओ। झुंझुनू बाजार पढ़ के नीम का पेड़ के नीचे बैठे रहो, बट बैठे हो तो ना कलेक्ट्रेट के नीचे, बताओ तो सही, कोई सुन रहा है क्या तुम्हारी माँ, कोई सुनता है क्या? अरे डॉक्टर जितेंद्र नहीं होता तो कोई नहीं पूछता तुमको, आज बताओ। मैं लड़ता हूँ झुंझुनू में जा जाकर लड़ाई, 10 साल से लड़ रहा हूँ तुम्हारे लिए, और मैंने बनाया नीम के दाने का जिला। मैं तो जिया भी हूँ, मैं तो मेरे साथ ही बैठे, अरे भैया किसी की भी प्राण निकल जाए तो मेरा दाह संस्कार खेतड़ी में कर देना, तो बोलो और मैं क्या करूं, इससे बढ़कर कोई कह सकता हूं क्या इन सब से, और इससे ज्यादा क्या बोलूं? तुम सुनो, मैं सार्वजनिक घोषणा कर रहा हूं, और मैंने मुख्यमंत्री जी को घोषणा विधानसभा में घोषणा करी थी कि मैं दुनिया में नहीं रहूं तो मेरे आंख हाथ सब सब भगवान खेतड़ी वालों को दे देंगे मुख्यमंत्री जी, ये ले जाओ डॉक्टर जितेंद्र के, जिसके बेटे बेटी को मेरे गुरुदेव की जरूरत तो ले जाओ। अरे विधानसभा में अकेला में इंडिया में अकेला अगर जिसने घोषणा करी, पर झूठी नहीं कर रहा। सीएम है तो साहब, आप यहाँ से मेरा फॉर्म भरा लेना, और मेरे जो मृत्यु के बाद मेरे अंगों की जरूरत हो, तुम्हारे बेटे को किडनी की जरूरत हो, हार्ट की जरूरत हो, तुम्हारे बेटे को लीवर की जरूरत हो, आप लिख लेना, फॉर्म भर लेना, डॉक्टर जितेंद्र अपनी खुद की बॉडी तुम्हारे लिए कुर्बान करता हूं। बहुत लंबी बात नहीं कहनी, मैं तो एक आपसे कहूंगा कि मैं आपने बहुत 35 साल में मुझे दिया है, 35 साल की राजनीति में कोई जिंदा नहीं देता। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं तो यही किया है, मैं सलाम करता हूँ, और बहनों को विशेष तौर से आज बोतों को आना था, पर आज तो 99.9% महिलाएं बैठी हैं करना। लेकिन जो आगे पीढ़ी बढ़ती है वो सब आप लोगों की बदौलत बढ़ती है, बच्चे बनते हैं, भविष्य बनता है, और अगर एक घर में अगर महिला मजबूत होगी वो परिवार अपने आप मजबूत हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी आपके लिए बहुत संवेदनशील, जिला बनाने में कमी कहीं नहीं रही गवर्नमेंट ने। मैंने अपने पंचायत समिति में हमने यूनानिमसली सब ने इसके बारे में निर्णय किया था, घोषणा करी थी कि मांग करेंगे, लिख के हमने मुख्यमंत्री जी के पास भी भिजवा दिया, और जो हमारे इंचार्ज राजस्थान के जो देख रहे हैं इसको, उन्होंने सारे उसको मुद्दों को देखा। यहाँ पे सबसे बड़ा जो संकट था, पहले तो डिवाइडेड पार्ट था खेतड़ी में, जैसे बबई था, बबई तहसील थी और कोटपुतली वाले बबई तक आते थे। खेतड़ी में मैं समझता हूँ जहाँ तक एक जमीन का बहुत बड़ा अभाव था हमारे पास, कलेक्ट्रेट और ये सारी व्यवस्थाएं होती तो ये संभवतः ये कारण हो सकता है। और हम स्टैंड कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने नीम का थाना इस तरह से 19 जिले बनाए हैं, और मैं समझता हूँ दो तहसीलें खेतड़ी और उदयपुर वाटी उन्होंने झुंझुनू से लिए हैं, और उन्होंने अलग से वहाँ पे श्रीमाधोपुर लिया है, और मैं तो अभी भी इसी वर्जन का हूँ कि किसी तरह से मुख्यमंत्री जी मिलेंगे कल भरतपुर में भी, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, मैं भरतपुर का प्रभारी हूँ कि साहब इसको कंसीडर किया जाए खेतड़ी को भी जिला बनाने के लिए, क्योंकि खेतड़ी अंतिम छोर पे है और खेतड़ी की इसमें बड़ी स्ट्रॉन्ग वो है,
तो मैं मेरी तरफ से मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि जो मेरे विधानसभा क्षेत्र है, जो प्रिंसली स्टेट में यहाँ राजधानी रही है, यहाँ वो जिला रहा है हमारे, तो कोटपुतली भी नीचे था, उसको पुनः इसके ऊपर विचार करें। कई पंचायतें जो झुंझुनू में मिलना चाह रही है, अगर परिसीमन भी होता है तो उसके लिए देखिए 2000 मैंने तो कह दिया भाई कौन कहाँ रहना चाहता है अपना खुद विजन ले लें। परिसीमन 2028 में होगा, अगर कोई यहाँ नहीं रहना चाहेंगे तो मुझे अवगत करा देंगे। परिसीमन में जो खेतरी से बाहर रहना चाहें वो तो शौक से जाएं उसके अंदर, लेकिन परिसीमन 2028 में होगा, उसके अंदर उनका रिकमेंडेशन निश्चित रूप से यहाँ से करवा देंगे। मेडिकल के संबंध में बता दूं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे खेतड़ी को जिला अस्पताल का वो दर्जा दिया है, उप जिला अस्पताल का, और जिसकी 60 करोड़ की लागत से बहुत भव्य भवन बनेगा। जूजू में ज़मीन 30 बीघा अलॉट के लिए हमने दे दिया है, और उसके अंदर हमारे जो समस्त हमारे सोनोग्राफी एक्सपर्ट्स आएंगे, सारे स्पेशलिस्ट, प्रत्येक आई गायनी हमारे सारे स्पेशलिस्ट खेतड़ी में आ जाएंगे। जो बड़ी सी बड़ी हमारी जो भी जांचें हैं, जो इन्वेस्टिगेशन होंगे, जो झुंझुनू में होंगे वो खेतड़ी में हो जाएंगे, इलाज सारी व्यवस्था करेंगे। दूसरी ने विशेष तौर से जो हमारे राज्य सरकार की हमारी जो महत्वपूर्ण योजनाएं थी और चिरंजीवी योजना के बारे में जो उन्होंने विस्तार से बताया कि जो 15 लाख पूर्व में प्रत्येक परिवार का हमारा इलाज के लिए सरकार दे रही थी, उसको बढ़ा के उन्होंने 10 लाख बढ़ा के 25 लाख किया। और मैं समझता हूँ, मैं तो डॉक्टर होने के नाते इतना जानता हूँ कि मैं समझता हूँ 25 लाख रुपए में हर एक पेशेंट का कवर हो जाएगा, हर एक पेशेंट कवर हो जाएगा, और प्रत्येक परिवार को, ये भारत में सिर्फ राजस्थान ऐसा हमारा प्रांत है जिसमें ये मेडिकल फैसिलिटी है, और दवाएँ, ऑपरेशन, ये समस्त चीज़ें सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त हैं उनके। और मैं समझता हूँ इतना बड़ा लाभ विश्व में, अमेरिका जैसे कंट्री में ओबामा ने ये इम्प्लीमेंट किया था, ओबामा की भी मेडिकल रिलीफ प्रोग्राम सफल नहीं हो पाया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का चिरंजीवी योजना बिल्कुल सफल है। और जो कोई इसके अंदर उसमें कम्पीट नहीं करते हैं, वो जिला कलेक्टर की ड्यूटी है कि जिला कलेक्टर उसका फ्री इलाज की व्यवस्था करे, और उसके अंदर ये सरकार ने विशेष तौर से व्यवस्था कराई है। और जो 850 रुपये भी जमा नहीं कर सकते, सरकार योजनाएं ला रही कि जो 850 रुपये भी अगर नहीं करा पाएंगे तो वो सरकार कराएगी। मांग थी हमारे, मैं समझ रहा हूँ कि इसके अंदर हमारे पानी का प्रोजेक्ट था, पानी का अलग से पैसा दे दिया है, अलग से बहुत तेज़ी से मैंने मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट किया है कि कुंभाराम लिफ्ट का जितना जल्दी हो सके उसका कार्य कराया जाए। उन्होंने अधिकारियों का 3 दिन पहले ही यहाँ पे हमारे चीफ इंजीनियर आए थे, एडिशनल चीफ इंजीनियर कुंभाराम लिफ्ट के और PHED के, और वो व्यवस्था करके गए हैं कि खेतड़ी में हमारे इसी सत्र में जो पानी के एक एक जिले जो हमारे पंचायतें हैं वो जोड़ दी जाएँ, तो उसके ऊपर बड़ी तेज़ी से कार्य चल रहा है। और मैं समझ रहा हूँ 500 करोड़ का हमारा सड़कों का काम चल रहा है, नीम का थाना खेतड़ी की 300 करोड़ की सड़क बन रही है, उसके टेंडर हो गए हैं और वो कार्य अब प्रगति के ऊपर है, तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा इसके अंदर लाभ मिलेगा।